हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज, लव कटार यानी मनोवर फारूकी को एक्सपोज कर दिया। सो आप सभी को पता ही है कि मनोवर फारूकी बिग बॉस के अंदर है और कहीं ना कहीं ऐसा खान के बिग बॉस के अंदर आने के बाद मनोवर फारूकी के इमेज पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है और लव कटारिया ने इसी चीज को लेकर बोला है कि बिग बॉस के अंदर कुछ होता नहीं है, अंदर कोई दमदार बंदा नहीं है। सो गाइज, लव कटारिया ने अपने ब्लॉग वीडियो में क्या बोला है आप सभी खुद ही देख लो। मैं जैसे कि देखता तो नहीं, इस बार बिग बॉस 17 मैं नहीं देख रहा क्योंकि जो अपने कंटेस्टेंट है मुनावर पुनावर ये कुछ कर तो रहे नहीं है, ओवर हाइप करके अपने आप को चले गए अंदर। पर स्टिल मैंने एक चीज देखी जिस चीज के लिए मैंने ब्लॉग ऑन किया है कि जैसे इसको सो कॉल्ड मेकर्स कहते हैं कि मेकर्स ऑफ द शो, मेकर्स इन्होंने आयशा डाल दी, आयशा ने कुछ इंटरव्यू दिए तो मैं एक दिमाग लगाना उस चीज में। इंटरव्यू देने के बाद ये अंदर घुसती है, इसको भगती है, फिर दरवाजा नहीं खुलता उनके जिस रूम में बातें कर रहे होते हैं वहाँ से कॉन्टेंट निकाला उन्होंने, उसके बाद उनका विचारों का वो हो गया। अगले दिन ही साफ दिखने लग रहा है साफ कि उसके इंटरव्यू भी प्लान थे, अब उनकी वो देख लो बातें सुन लो। और मेरा प्रेडिक्शन बताऊँ, मेरा प्रेडिक्शन वो कौन है, एक और है ना इसके अंदर ये एक्स बता रहे हैं, उसको ने भी कुछ भी कर सके, गेस्ट रेस्ट के रूप में भी ला सके। मतलब जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन कहता है, हमें पता है ना कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, वो फिर भी शायद अनप्लान्ड हो, वो खोलेगी जो असली चीज़ें खोलेगी ना। तो बाबा एक बारी तुम प्लान कर लोगे पर तुम शो के मेकर्स को तो नहीं कर सकते पागल भाई, उनका सुप्रीम पावर है ना, वो कुछ भी कर सके, कुछ भी गेम घुमा सके भाई पे, तो कोई दिक्कत ना है। सच का सच्चाई जो होगी सच्चाई वो तो सामने आके रहा, देखो नो डाउट इन दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कौन है कौन, मेरे को स्टोरी भी नहीं पता इनकी भाई, पर वो वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये वाला तो प्लान था, देखो ये वाला तो साफ साफ प्लान था इसकी एंट्री और एक इवेंट को इंटरव्यू दे के जाऊँगी। बाकी बात करें बाकी कंटेस्टेंटों की, तो यार वो बंदों में क्या मतलब किसी में भी फन हो तो सही, थोड़ा सा फन तो हो, मतलब फन इन द सेंस कि बकचोद हो या फिर पॉइंट मारने आते हो, ऐसा खैसी खेलना आता हो, शो इन चीजों में नहीं चला जाता। तो बाकी आप सभी को इस चीज में क्या लगता है, लव कटारिया ने जो कुछ भी बोला है और मनोवर फारूकी और आयशा खान के बीच में आप सभी को सही कौन लगता है, कौन सच बोलता है, आप सभी कमेंट सेक्शन में वो चीज बताना। और यहाँ तक आ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।